डीडवाना में जिला प्रशासन द्वारा कस्टोडियन जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक और जहां प्रशासन लगातार अतिक्रमणों को हटाने में जुटा हुआ है, तो वहीं अब विरोध के सुर भी तेज होने लगे हैं। इसी क्रम में अब अखिल भारतीय किसान सभा ने बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। किसान सभा ने इस कार्रवाई को किसानों के साथ अत्याचार बताते हुए 12 अगस्त को डीडवाना जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। किसान सभा के नेता भागीरथ यादव ने बताया कि डीडवाना जिला प्रशासन मनमर्जी से किसानों की पुश्तैनी जमीनों को हड़प रहा है, जबकि इन जमीनों पर आजादी से पहले और आजादी के बाद से सभी वर्गों के किसान खेती करते हुए आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन अब उन्हें कस्टोडियन की जमीन बताकर हड़पना चाहता है। इसीलिए अतिक्रमण हटाने के नाम पर किसानों को उनकी जमीनों से बेदखल किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया है कि सरकार को करना तो ये चाहिए था कि वो काश्तकार को इन जमीनों का मालिकाना हक दे, लेकिन जिला प्रशासन किसानों को हक ना देकर उनकी जमीन छीनना चाहता है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यादव का कहना है कि इस संबंध में किसान सभा की एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें 12 अगस्त को जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें डीडवाना से बड़ी संख्या में किसान भाग लेंगे। जिला कलेक्टर महोदय डीडवाना ने पिछले दिनों एक आदेश निकाला है और तहसीलदार और पटवारियों को निर्देश दिया है कि डीडवाना के अंदर जितनी भी कस्टोडियन की जमीन है, उस जमीन को सरकारी जमीन घोषित करके उसमें बोर्ड लगाया जा रहा है और ये काम त्वरित गति से शुरू हो गया है। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि सैकड़ों साल से जो किसान जमीन पे खेती कर रहा है, वो बसा हुआ है, उसका मकान है, उसके भाई कोई विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए होंगे, लेकिन उसका परिवार यहाँ है, तो ऐसी जमीन को वो सरकारी जमीन कैसे घोषित करते हैं, कर सकते हैं बिना किसी नोटिस के। हमें डीडवाना के अंदर 624 खसरे हैं और 773 एकड़ जमीन, यानी लगभग 4,000 जमीन है। उस जमीन में कितने परिवार जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बेदखल करने की जो सरकार की और प्रशासन की जो मंशा है, उसको हम जायज नहीं ठहरा सकते। और इसी को लेकर के हमने आज गिरधारीपुरा के अंदर भी मीटिंग की और 12 तारीख को 11 बजे हमने तमाम लोगों को बुला करके कलेक्टर साहब से मिलेंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि बाकी राजस्थान के अंदर कई जिले ऐसे भी है जहां कस्टोडियन की जमीन काश्तकारों के नाम की है, तो वो भी हम बात करेंगे और 12 तारीख को हम किसान सभा के नेतृत्व में एक आंदोलन की शुरुआत करेंगे और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। मैं ये अवगत कराना चाह रहा हूँ कि ये जो बोर्ड लगा हुआ है, ये ग्राम चांदवा से और ये जो जमीन है इनके पूर्वजों की है। जब भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था, उस समय से लेकर इन्होंने ये जमीन इनके पास ही, इनके पूर्वजों के पास थी पहले, तो ये काश्तकार है, जमीन ये बुआई करते, फसल उगाते, लेकिन प्रशासन द्वारा पूरा डीडवाना में इस तरह के राजकीय भूमि के जो बोर्ड लगाए जा रहे हैं, जो किसानों के साथ अन्याय है, तो इसका हम विरोध करते हैं पूर्ण जोर से। और हमारा 12 अगस्त सोमवार को 11 बजे कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने हम प्रदर्शन करेंगे। मेरा तमाम डीडवाना आसपास के किसानों से, लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारकर कलेक्टर कार्यालय पर भाग लेवें और इन किसानों की जमीन बचाने का काम करें।